सर वो ऐड टू कार्ट हो जाए, अब ठंड रख। अच्छा किधर, क्या काम था? व्यू कैटेगरी वाला फॉर्म हमने अपना लिया था। अच्छा डन हो गया। ये टेक्स्ट कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम पे क्लिक करूँ, व्यू प्रोडक्ट पे जाए, तो व्यू प्रोडक्ट वाला कोई फॉर्म नहीं अभी तक हमने बनाया। बिस्मिल्लाह बच्चे देख लो जी, अब ये इंपॉर्टेंट काम है आज। ऐड न्यू आइटम, बस ये हो गया तो समझो सारा कुछ हो गया। व्यू प्रोडक्ट्स थीम ऐड किया, किसे ने एडिट करा लें? माय थीम। कहाँ पड़े थे? डेस्कटॉप पे रख दिया करो, पता नहीं क्या मौत पड़ती तुम लोगों को। अच्छा जॉली यानी यहाँ पे होगा शॉप स्टाइल वन, इसको सबसे पहले तो आपने ओपन करना है, एक तो विजुअल स्टूडियो के साथ, ओपन विद विजुअल स्टूडियो 12 और प्लस इसको ओपन करो क्रोम के ऊपर, ओपन विद गूगल क्रोम। अच्छा पोस्ट प्रोडक्ट हमने कर ली थी, इमेजेस वगैरह दे दिए थे कि नहीं दिए थे? कितनी प्रोडक्ट्स थी हमारे पास? सर इसमें मेंबर्स अकॉर्डिंग नहीं, पोस्ट प्रोडक्ट पे कोडिंग हो गई थी कि नहीं? सर चेक करें प्रीवियसली, अगर पोस्ट नहीं ना हुई प्रोडक्ट नहीं की थी इसमें, नहीं हुई भी वो किसी और में भी, ये इधर तो हुई कुछ नहीं हुई है यार, जलील करवा दिया तुमने। कौन सी थी डीबी, कौन सी है ऑनलाइन शॉपिंग है, कौन सी है भाई? ऑनलाइन शॉपिंग यही है, टेबल्स प्रोडक्ट का टेबल। लास्ट टाइम ना वो मैंने बच्चे को बुला के करवाई थी पोस्ट प्रोडक्ट की कोडिंग, सर वो कर ली गई इस लैपटॉप की नहीं आपने करवाई? तो अब इधर में डाटा नहीं है तो मैं व्यू प्रोडक्ट्स किधर से करूँ? है कोडिंग वाली, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दो। होना था वो हो गया। मैंने अपनी आंखों में सुनना डाला है। अच्छा कैटेगरी पे है, चूज डाटा सोर्स, यहाँ पे ये बता दिया था ना कैसे लाना है, न्यू डाटा सोर्स। एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग इस दफा ना मैंने अब नया रूल रखा है, अब यहाँ पे होगा वाइवा, क्या होगा? सारा वन बाय वन आएंगे, वाइवा सारों के सामने होगा, उसकी होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। जो वाइवे में पास होगा वो कोर्स में पास होगा, जो वाइवे में फेल वो कोर्स में फेल। नहीं बिस्ती बुस्ती नहीं, अब मैंने डिसीजन ले लिया आज। कैटेगरी आई डी, कैटेगरी नेम क्या? हाँ मिड का जब आप दोगे ना प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक तो तभी वाइवा होगा, ठीक है। अच्छा नीचे कौन सा था, ब्रांड दिखाने, चूज डाटा सोर्स। अब यहाँ पे देख लो मैंने शायद पहले कराया नहीं कराया, न्यू डाटा सोर्स, एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग, किस टेबल से डाटा चाहिए, ब्रांड आईडी, ब्रांड नेम, वेयर, सारे ब्रांड्स नहीं दिखाने, ऊपर जो कैटेगरी सिलेक्ट करूँ
उसका नीचे ब्रांड है, कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, कंट्रोल, और कंट्रोल कौन सा था, ड्रॉप डाउन लिस्ट वन थी। ये काम मैंने आपको शायद पहले कराया या नहीं कराया, तो अब आपको ये नया काम मैंने करवा दिया। एनेबल ऑटो पोस्ट बैक, इसको भी ट्रू रखना है। राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउजर, डेटाबेस में पता नहीं अब एंट्रीज भी हैं कि नहीं, कैटेगरीज तो हैं, ब्रांड्स पता नहीं है कि नहीं है। ये होता है टूल्स ऑप्शंस डिजाइनर्स, ये ऑप्शन सेलेक्ट हुई होती है, ऐसे अनचेक करके ओके करो हो जाएगा, ये चेक हुई होती है हर दफा, ये इसको पहले मैंने बताया भाई ये कैसे करना है। इधर देखो, अच्छा इधर आए, ये देखो ऊपर मोबाइल सेलेक्ट है तो नीचे क्या आ रहा है, सैमसंग क्यू मोबाइल ओपो, मैंने चेंज किया, इलेक्ट्रॉनिक्स किया तो नीचे क्या आ रहा है, एलजी और कैनन, और मैंने कहा मुझे कार्स चाहिए तो नीचे कौन सा आ रहा है, सुजुकी होंडा और टोयोटा। ठीक है, तो ऊपर जो कैटेगरी सेलेक्ट हो नीचे उसके ब्रांड्स, तो ये भी काम आपने देख लिया, ईजी है। प्लस अब इसकी कोडिंग रहेगी जस्ट पोस्ट प्रोडक्ट। ये वाला कोड भारी पड़ेगा तुम लोगों को, इतनी दफा लिखवा लिया बस कर दो अब। प्रोडक्ट ओबीजे इक्वल्स टू, ऊपर से ये जानी भी होती है यूट्यूब के ऊपर, शर्म नहीं आती कि बंदा सर को ना गुस्सा दिलाए। जाहिर सी बात है, आप इमेज अपलोड, ओए 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 रटा पेपर के लिए लगाया था, अब और आएगा कोई ये तुम लोग तो तैयारी अच्छी हो गई है यार, मुश्किल पेपर बनाना पड़ेगा, ये तो पूरे आ जाएंगे। सारी सारी अपलोड कर रहे हैं आपने, बल्कि चेक लगाना है कि इमेज ही हो, ये नो वर्ड की फाइल अपलोड होती हो, इसी पे ही लगना है फाइल्स, बता देता हूँ।
बेसब्री हो जाते तुम लोग, समझ नहीं आती मुझे क्या बेसब्री है। बस ठीक है बड़ा। ऊपर क्या मौत पड़ी ऐसे, प्राइस कोई गलती मैंने कर दी है? अच्छा डेटाबेस में मेरा ख्याल है प्राइस मैंने रखी हुई थी वारचार, तो गलती हो गई। कैसे ठीक करें? प्रोडक्ट का टेबल, डिज़ाइन व्यू, प्राइस, वारचार नहीं होती प्राइस होगी फ्लोट। इसके ऊपर तो इफेल्स की कंडीशनें लगनी है, प्राइस वाइज अगर स्ट्रिंग रखा तो प्राइस वाइज सर्चिंग नहीं होगी सही। ठीक है अच्छा इसको किया चेंज, अब इसको मॉडल में भी चेंज करना है। कहाँ है जी मॉडल? ये प्राइस का कॉलम है, पहले इसको यहाँ से कर दो डिलीट, कंट्रोल एस, राइट क्लिक किया, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, फिनिश। नहीं आई प्राइस? नहीं टेबल का तो इश्यू नहीं था, बहरहाल फिर भी देख लेते हैं। ठीक है कभी कभी ना ये इस तरह करता है। अब इसका हल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये है, डिलीट ये पूरा क्लास दोबारा बनाओ। प्रोडक्ट की क्लास यहाँ से उड़ा दो और मेक श्योर कर लो कि इधर ये सेव हो गया है, सेव है। अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, टेबल्स, फिनिश। आ गया ठीक है, ऐड हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। बस अब इसको चलाते हैं, एंट्रियां करवा लूँ 15, 10, 12 और फिर आपको मैं व्यू प्रोडक्ट थीम पूरा हो जाएगा। करने अब हम क्या जा रहे हैं? करने भाई ये जा रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्ट हो जाए, कस्टमर आए या सप्लायर या एडमिन जो भी सिनेरियो है वहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड हो जाए, इधर से मेरे पास प्रोडक्ट इस तरह से व्यू हो जाए। अंडरस्टैंड? वो जैसे ओएलएक्स के ऐड व्यू रहे, ओएलएक्स का थीम फर्क है, उन्होंने वो लाइन पर दिखाई दिए ना प्रोडक्ट, एक 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 प्रोडक्ट, कि यहाँ पर हमारे पास ये चार चार आ। फिर उसके बाद ये चाहूँगा कि जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं किसी प्रोडक्ट की अगर डिटेल देखना चाहूँ तो मैं अपनी प्रोडक्ट की डिटेल इस तरह से देख सकूँ। ठीक है ये इस तरह से कि जावास्क्रिप्ट और इस तरह से फंक्शन लगे हुए हैं, हमने जस्ट इसे यूज़ करना है। फिर यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट अगर पसंद आ जाए, यहाँ पे आके मैं दूँ क्वान्टिटी टू, मैं करूँ ऐड टू कार्ट, ये इस तरह से कार्ट में मेरे पास क्या हो जाए, ऐड हो जाए। यहाँ पे आके काम छोड़ देंगे, प्रोसीड टू चेकआउट, वो फिर क्रेडिट कार्ड और पेपाल और वो इस तरह की APIs हैं यूज़ करके आपने उसे करवाना है। एंट्रियाँ करते हैं अब, पोस्ट प्रोडक्ट थीम, व्यू इन ब्राउज़र, इमेजेस पड़े हुए यहाँ पे इसके, ओपन कर लें फिर।
ठीक है, बेहतरीन हो गया। प्रोडक्ट नेम मैंने कहा जी नोकिया का मेरे पास सेट है 101, प्राइस है इसकी 2000, कलर इसका जो भी है, डायमेंशन जो भी है, मोबाइल से ताल्लुक़ रखता है, और नोकिया नहीं ऐड किया मैंने, फिर ऊपर चेंज कर लेते हैं, नो इशू। सैमसंग मेरे पास कौन सा है जी, गैलेक्सी है, प्राइस इसकी ये है, मोबाइल सैमसंग से ताल्लुक़ रखता है, वेट डायमेंशन छोड़ी, चूज़ पिक्चर, पिक्चर्स पे आए, कौन सी पिक्चर दें, ये पिक्चर दे दी, ठीक है, डाउनलोड मैन मैंने ओपन किया, हाँ जी पोस्ट प्रोडक्ट अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा, हो गया लगता है, प्रोडक्ट का टेबल हेडेड टॉप 200 रोज आ गया, डन हो गया। इसी तरह दो तीन और ऐड कर लेते हैं, सैमसंग गैलेक्सी, ओप्पो, ओप्पो से ताल्लुक रखता है, चूज फाइल, कहा पोस्ट प्रोडक्ट, ये भी हो गया, और कौन सा ऐड कर लें, मोबाइल अब चेंज करते हैं, मोबाइल के बाय कार्स कर लेते हैं, ठीक है, कार्स में मेरे पास है मेहरान है कोई, हाँ कार सुजुकी मेहरान है, क्या हो गया, ठीक है, और होंडा किया था, होंडा का कौन सा मॉडल होता है, सिटी, प्राइस तो यार बदलवा लेते हैं, चलो खैर है, कार से ताल्लुक रखती है और है होंडा की है, चूज फाइल, डन हो गया। अब ये प्रोडक्ट्स इधर से ऐड हो रही हैं, कोई सर्चिंग वाला फॉर्म बनेगा और सर्चिंग वाला बाद में करेंगे, पहले व्यू प्रोडक्ट्स बना लें, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, पहले तो नहीं बनाया बाकी मैंने, व्यू प्रोडक्ट्स थीम, मेरा ख्याल है मैंने पहले भी अभी बनाया था, कहाँ पे है, ये व्यू प्रोडक्ट्स थीम, काम हमने करना है उसके साथ, थीम के साथ ना, थीम हमारा डेस्कटॉप पे रखा हुआ मैंने, जॉली यानी शॉप वन, अब यहाँ से गुर सीखना, ओए तू हंस ले, वाइवा देना, अब तुम देखना जरा, सबसे औखे सवाल तुम्हारे से होने हैं, कौन सी मजबूरी है, हमें भी बताओ, हमें नहीं आज तक ऐसी मजबूरी पड़ी हंसना पड़े, असी तो डिप्रेशन का ही शिकार हो जाने, सन भी दसो, चलो ठीक है, क्लास के बाद बताओगी तो अब मैं पास करूंगा, तुम्हें अटेंडेंस नहीं लगनी अब तुम्हारी, अच्छा बच्चों इधर देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, यहाँ से आपको डिव पता लग जाएगी, ये कौन सा है, जर्नल टाइटल पैडिंग टॉप, यहाँ पे है, यहाँ पे हमने फॉर्म ओपन किया तो था, बड़े अफसोस की बात है, ओपन विद विजुअल स्टूडियो 12, कंट्रोल एफ, या वैसे ही ढूंढ लो फिर, कंट्रोल एफ लेटेस्ट प्रोडक्ट्स ढूंढ लो, कहाँ पे है लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी,
कंट्रोल सी, कोड कॉपी किया, व्यू प्रोडक्ट्स थीम पे आके एज इट इज़ क्या कर दिया, कंट्रोल एस किया, और सबसे पहले इसको व्यू इन ब्राउज़र करके देखो कि कितना पोर्शन एम्बेड हुआ है, एज इट इज़ होना चाहिए ए एस पी वाले पेज को, ये एच टी एम एल का स्टैटिक पेज था, इसको एज इट इज़ इस पेज को एज इट इज़ ओपन होना चाहिए जैसे ये ओपन हुआ हुआ था, सब कुछ ठीक रहा तो हाँ देखा मसला हो गया। मेरा ख्याल है मैंने कोई डिव कॉपी नहीं की, और वो डिव पता है कौन सी कॉपी नहीं की, क्लियर फिक्स वाली होगी शॉप वन, ये वाली, एक डिव ना होने की वजह से देखा कितना मुश्किल हुआ है। सिर्फ ये कंट्रोल सी, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी करूँगा तो यही पेज देखना, कंट्रोल सी ये पेज इस तरह का था, वो क्लियर फिक्स होने की वजह से वो सारी फॉर्म ठीक हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ वो एक डिव का मसला था। आगे जी प्रोडक्ट्स, अब एक प्रोडक्ट को रहने देना, बाकी प्रोडक्ट्स एचटीएमएल का कोड उड़ा देना, ये भी बड़ा टास्क है करने वाला, कर लेते हैं। यहाँ पे आओ, ए ये रहा टॉप, ओ नहीं ये ये, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ बारह हैं आई थिंक प्रोडक्ट्स होंगे ना, बारह प्रोडक्ट्स नहीं तो ये इसने बारह डिव्स लगाई हैं उसके लिए, हमने तो इसे डायनेमिक करना है, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं, उड़ा दी, एक डिव को छोड़ देना है, यानी कि एक प्रोडक्ट को छोड़ देना है, बाकियों को ख़त्म कर देना है, कंट्रोल एस, देखते हैं मैंने क्या किया है, रिफ्रेश, एक प्रोडक्ट रह गई, अब इसके ऊपर आके काम करना है। इस डिव पे आए, डाटा बाउंड कंट्रोल हमें कोई चाहिए कि ताकि मैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी से कर सकूं, उसके लिए रीड ओनली बेस्ट कंट्रोल है हमारे पास रिपीटर, रिपीटर के अंदर टैग लगेगा हमारे पास आइटम टेम्पलेट का, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इस रिपीटर को अब आप दोगे, कोई डिव का मसला है, हाँ सॉरी वही मैं कहूँ कि उसने क्लोजिंग डिव पे एरर देना, देखा यहाँ पे ऊपर मुझे उसी वक्त पता लग गया था जब ये इस डिव के ऊपर ग्रीन लाइट आई थी, कंट्रोल वी, इस रिपीटर पे आए, दिस न्यू डाटा सोर्स SQL डाटा सोर्स कनेक्शन स्ट्रिंग दी, नेक्स्ट स्पेसिफाई कस्टम SQL स्टेटमेंट और स्टोर प्रोसीजर, नेक्स्ट, क्यूरी बिल्डर किस किस टेबल से डाटा आना है, ब्रांड से डाटा आना है, कैटेगरी से डाटा आना है और प्रोडक्ट से डाटा आना है, मैंने कहा इधर से कैटेगरी का नाम दे दो, इधर से ब्रांड का नेम दे दो, इधर से प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए, प्रोडक्ट का कलर डायमेंशन वेट कुछ नहीं चाहिए और मेन इमेज चाहिए, ओके किया, नेक्स्ट टेस्ट क्यूरी डन हो गया, फिनिश, सॉरी नेक्स्ट फिनिश, कंट्रोल एस, इधर आए, यहाँ पे इमेज कहीं पे आ रहा होगा, डेमोस सोर्स इक्वल्स टू पिक यूआरएल, इमेजेस के फोल्डर में जाके कहा ये वाला इमेज दे दो, स्टैटिक इमेज दिखाना नहीं है, डायनामिक दिखाना है, क्या कोड था, परसेंटेज हैश ईवेल इन्वर्टेड कॉमास और डेटाबेस में किस नाम से कॉलम, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, लो भाई अभी ये था, अभी इस तरह से आएगा, चार प्रोडक्ट पोस्ट की थी, आ गई चार, रिस्पॉन्सिव भी है, एक दो तीन चार, प्लस अब इसके ऊपर यहाँ पे आपने देखा हर एक पे सनलाइट कलेक्शन, सनलाइट कलेक्शन सारों पे सनलाइट आ रहा है, सारों की प्राइस सेम आ रही है, वो भी चेंज करो कि नहीं, तो उसके लिए क्या टेक्निक है, अभी मसला रोला ही कोई नहीं, देखो क्या लिखा है इसने, सनलाइट कलेक्शन 2014 इसको यहाँ से उड़ा दिया, स्टैंडर्ड कंट्रोल्स उसमें आके लगाया, लेबल टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कॉमास लेस देन परसेंटेज हैश एग्जीक्यूटेड वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास, कंट्रोल सी, पहले इस लेबल को ऐसे कॉपी कर लो, अच्छा शर्ट्स की जगह पे क्या दिखाना है, कैटेगरी, और मेंस की जगह पे क्या दिखाने हैं, ब्रांड्स, प्राइस की जगह पे क्या दिखाना है, छोड़ दे उनका पीछा, ये डैश पी के
आर पाकिस्तानी रुपीस। यहाँ पे आके अब आपने अपने वो बताने हैं प्रोडक्ट के टेबल में से मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो यहाँ पे आके प्रोडक्ट नेम, उसके बाद मुझे कैटेगरी चाहिए थी आई थिंक, कैटेगरी यहाँ पे मुझे चाहिए, कैटेगरी नेम यहाँ पे मुझे चाहिए, बी नेम यानी कि ब्रांड नेम, और फिर मुझे यहाँ पे नहीं कोई सॉरी बी नेम यहाँ पे चाहिए, बी नेम यानी कि ब्रांड नेम, कैटेगरी के टेबल में से कैटेगरी नेम, ब्रांड नेम, प्राइस कहाँ पे है, पी आर आई सी ये सिंपल स्पेलिंग है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पी आर आई कंट्रोल एस सैमसंग गैलेक्सी 20,000 का, मोबाइल से ताल्लुक रखता है सैमसंग ब्रांड है, ओप्पो A37 20,000 का है मोबाइल से ताल्लुक रखता है ओप्पो ब्रांड है, मेहरान 1000 CC कार से ताल्लुक रखती है और सुजुकी ब्रांड है, होंडा सिटी कार से ताल्लुक रखती है होंडा ब्रांड है, ये प्राइस है। सारों की 20-20,000 आ रही है, वो मेरा ख्याल है डेटाबेस में एंट्री ही मैंने ऐसे की है, जस्ट चेंज इट, एक ही प्राइस 20,000, एक ही प्राइस 30,000 कर लो, और कोई बात नहीं खैर है क्यों टेंशन ले रहा है, ये कर जस्ट रिफ्रेश किया, अंडरस्टैंड आ गया। इधर से पांचवी प्रोडक्ट पोस्ट करते हैं, पोस्ट प्रोडक्ट थीम, पांचवी प्रोडक्ट पोस्ट करते हैं, देखते हैं यहां पे शो होती है कि नहीं होती। लॉगिन साइन अप इस पे करा दिया है ना मैंने, कौन सी ऐड करें प्रोडक्ट, मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक्स में से कुछ कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, एलजी कोई एलईडी टीवी ऐड कर लेते हैं, मैंने कहा जी एलईजी का एलईडी है मेरे पास 40 इंच का, प्राइस उसकी ये है, ये दिया पोस्ट प्रोडक्ट, इधर से प्रोडक्ट ऐड हुई, इधर से प्रोडक्ट देखो पांचवी आती है कि नहीं आती, ये आ गई है ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव। अब ये देखो मसला पता है क्या, इस इमेज की ना डायमेंशन नहीं थी ठीक, ये वाले जो दो इमेजेस हैं तो आपने देखा पांचवी प्रोडक्ट यहाँ पे आई है, आप इमेजेस सारों के सही कर लो, यानी कि पांचों के इमेजेस अगर एक जैसे होंगे एक साइज के होंगे, कहने का मकसद ये है, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो आपकी डिजाइनिंग बिल्कुल ठीक रहेगी, फाइल अपलोड पे हम इमेज की कर सकते डायमेंशन हो। चेक लगा सकते हैं। हाँ सर वो आपने एक ही नेम रख दिया डायमेंशन बट ठीक है नो इशू, यानी कि तस्वीरों के साइज सेम है तो पांचवी तस्वीर अपनी सही जगह पे आई है, इसी तरह आप छठी सातवीं आठवीं करो, हाँ डायमेंशंस क्या कहते हैं क्या बकवास है इसमें, हाइट विड्थ का मसला है, यानी कि मैंने 15-20 प्रोडक्ट्स कर दिए ना, नहीं आई अच्छा सॉरी, बाकी भी तो एंट्रीज करनी पड़ेंगी ना, कोई बात नहीं सर इट्स ओके, रहने दें क्यों रहने दें, इधर देखो नहीं बस ये बल्कि फ्रंट एंड से मुश्किल होनी थी, यहाँ पे मुझे आसान है, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं, अब मुझे उम्मीद है कि आनी चाहिए बाकी इतनी सारी इमेजेस जो मैंने की थी, हाँ भी सही है डिज़ाइन बेहतरीन, यानी कि जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी आपकी बेहतरीन डिज़ाइन में आएंगी और ये रिस्पॉन्सिव भी होंगी, ये सॉरी इसको थोड़ा साफ करो, ये चार चार दो दो हो गई ठीक है, दो दो आ रही हैं। अब ये देखा है, इस इमेज का साइज हल्का सा फर्क था तो उसने पांचवी इमेज को नीचे भेज दिया, ये मसला कहीं पे भी रिजॉल्व नहीं होना, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा ठीक है, थोड़ा सा बहरहाल के सारे इमेजेस ठीक हो, प्लस एक और भी चीज़ है
कहीं पे ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट का नाम बहुत लंबा हो सकता है, प्रोडक्ट का नाम लंबा हो, प्रोडक्ट का नाम जब यहाँ तक आएगा ना, ये लेबल आगे चला जाएगा, ये कार और होंडा नीचे आ जाएगा, कार और होंडा जब नीचे आएगा वो इसको धक्का लगाएगा, यहाँ से ये प्रोडक्ट आगे चले जाएगा। ठीक है, तो इसका हल सिर्फ यही है कि वार्चा 10-50 ये फिक्स रखो, फिर जितना साइज है, एंट्री ज़्यादा ना हो, एंट्री ज़्यादा हुई रिस्पॉन्सिव थीम है, इसको दुनिया का कोई बंदा नहीं रोक सकता, इसके बाद लगा लो वैलिडेशन लगा लो ना कि भाई करेक्टर जो है 20 से ज़्यादा ना हो, दैट्स इट। तो बहरहाल ये मैं आपको ना बताता तो ये इशू शायद आपको समझ भी ना आ, मुझे पता था तो मैंने आपको करा दिया। सर वो अगर ओलेक्स वगैरह में जाए वहाँ पे नेम हो तो वो डॉटेड लगा के उसको शो कर देता है कि आगे भी कंटिन्यू, ऐसे ही कुछ हो, कास्टिंग कर सकते हो एसक्यूएल सर्वर में, कास्टिंग कर सकते हो कि वहाँ पे आपको यूज़ करनी पड़ेगी स्ट्रिंग को रीड करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग के करेक्टर अगर इतने से ज़्यादा हैं तो वो आगे डॉट 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 कर दे। ठीक है, लेकिन फिर हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसमें मसला ये है कि वो फिर प्रोडक्ट का नाम पूरा शो होगा डिटेल के पेज पर जाकर। ठीक है ना, तो कोशिश करो कि फ्रंट एंड पे पूरा आए ना, इससे इस तरह ना हो कि पढ़ाई कुछ ना जाए। जैसे सैमसंग गैलेक्सी नोटबुक, सैमसंग गैलेक्सी टैब, अब सैमसंग गैलेक्सी आगे डॉट लग गया पता ही नहीं नोटबुक है कि टैब है, इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर आप उसको को सैमसंग को छोटा कर ले, गैलेक्सी को GLA कर ले और फिर टैब आगे लिख ले ताकि इतने में पूरा हो जाए। सर यूएस के लिए ना, नहीं समझ आई, हाँ ठीक है, ये यहीं पे पूरा करो। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने ऐसी देखी हैं कि वो जहाँ पे नाम ज़्यादा नीचे हो जाए तो डिज़ाइन उनका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव मिल जाता है। सर हमने ऐड प्रोडक्ट कर ली तो वो तो बाद का काम है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। अब जैसे एडमन अपना आईडी साइन इन करेगा, हमने रोल डिफाइन किया तभी वो ऐड कर सकता है ना, ये वाला सुनो ना, अगर तो OLX हुई, अगर आपने देखो ना कल, अब इस यहाँ पे बिजनेस लॉजिक है, मुझे क्या पता किसने करना है। नहीं अभी शॉपिंग भाई, ये पोस्ट प्रोडक्ट का पेज जिसको मर्जी एक्सेस, तो मुझे क्या पता किसको देनी है आपने एक्सेस। ये फॉर्म अगर तो OLX है तो ये कस्टमर के पास जाना है, मैं साइन अप हूँ, मैं ना हूँ, मैं यहाँ से एंट्री कर सकूँ। अगर ये draz.pk या rosy.pk ऐसी शायद कोई चीज़ है तो फिर ये एडमिन के पास जाना है, लॉग इन साइन अप आपको करवाया हुआ है, एक्सेस तो ये काम सिर्फ एडमिन कर सके, वो हम कर चुके हैं। और सही ऊपर जो अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्रीलांसिंग की तो मैं अपनी जॉब पोस्ट कर सकता हूँ ना, काम देना है किसी को, yes, तो यहाँ पे साइन अप होकर मैं यहाँ पे काम ऐड कर सकूँ, काम अपडेट कर सकूँ, काम डिलीट कर सकूँ। जी ऊपर किधर है, इधर नहीं नहीं उसी पेज पे ये जो ये स्लाइडर लगे हुए हैं, इमेजेस भी हम अपनी मर्जी से लगा, यानी ना सिर्फ तुम इमेजेस अपनी मर्जी से लगा सकते हो, ये इमेजेस DB से भी ला सकते हो। मैं DB के अंदर 100 इमेज ऐड करूँ, 100 इमेज का स्लाइडर बन जाए, 10 करूँ 10 का बन जाए, लेकिन फिर ख्याल रखना कि उतनी ये डॉट्स बढ़ जाने, जलालत होगी। कोशिश करो 5-6 फिक्स ही रहो, 5-6 ठीक है, या स्टैटिक करने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेंज कर लो, अंडरस्टैंड। प्लस अभी वावा टाइम है तो मैं आपको एक और काम करवा देता हूँ, क्या याद करूँ, क्या याद करोगे तुम कि सर ने काम करवाया था। अब यहाँ पे ये ब्लॉग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरीज, क्या लिखा हुआ है, अब मैं कैटेगरी पे कर्सर लेके आऊँ तो नीचे सारी वो कैटेगरीज आ जाएं जो डेटाबेस के अंदर है, फिर उस कैटेगरी के ऊपर होवर करूँ तो आगे सारे उसके ब्रांड्स आ जाएं, क्या आ जाए, रोला ही कोई नहीं अभी कर लेते हैं, 5 सेकेंड का भी काम नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे माय थीम डॉट मास्टर, कंट्रोल F, यहाँ पे ढूंढो BLOG ब्लॉग कहाँ लिखा है, ये ब्लॉग लिखा हुआ था, इसको चेंज कर दो कैटेगरीज के अंदर, एक LI का टैग वो है जिसमें सिंगल ब्लॉग स्टाइल और आगे उसका सब मेन्यू है, जरा ख्याल रखना, पहला LI का टैग सिंगल ब्लॉग स्टाइल, यानी ये सिंगल ब्लॉग है, आगे ये उसका सब मेन्यू, इसको और इसको बख्श के यहां से यहां तक सारी LI खत्म कर, ठीक है, जो कि ये वाली है मैंसरनी स्टाइल से लेके ऑथर स्टाइल तक, कोई चीज़ मुश्किल, अंडरस्टैंड। ये इसका UL, उस UL के अंदर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की LIs हैं, कोई चीज़। बहरहाल मैं अब इसके ऊपर लगाने लगा हूँ रिपीटर, मैंने अब एक ही अब कंट्रोल S किया, पहले मैं आपको बता दूँ मैंने चेंजेस क्या किए, रिफ्रेश, अब देखते हैं क्या हुआ है, कैटेगरी सिंगल ब्लॉग स्टाइल और आगे उसका सब मेन्यू, अंडरस्टैंड बच्चों, सिंगल ब्लॉग स्टाइल यहाँ पे है, डेटा डेटा के अंदर लगाया सिंगल ब्लॉग स्टाइल रिपीटर, रिपीटर के अंदर आपके पास टैग होगा
आइटम टेम्पलेट का, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल, कोई मैंने टैग खराब तो नहीं किया? ठहर जो, मिस्टेक लग रही है। एल आई का टैग ओपन, ये वाला एल आई का टैग कहाँ क्लोज हो रहा है? नहीं ठहर जो, हाँ इसी एल आई के टैग को मैंने रिपीट करवाना है और यहाँ पे रिपीटर क्लोज होना है, ठीक है? हाँ शुक्र है ये गलती नहीं की मैंने, अगर मैं रिपीटर गलत क्लोज कर दिया था तो रोला हो जाना था। आइटम टेम्पलेट, इस रिपीटर को देंगे डाटा सोर्स, दिस न्यू डाटा सोर्स, एसक्यूएल डाटा सोर्स, कनेक्शन स्ट्रिंग, नेक्स्ट, किस टेबल से डाटा चाहिए? कैटेगरी से कैट आईडी, कैट नेम दोनों चाहिए, दिखाना तो खाली नेम है लेकिन आईडी भी चाहिए किसी वजह से, वो बाद में बताता हूँ। बजाय इसके क्या मैं लेबल दोबारा लगाऊं? व्यू प्रोडक्ट्स थीम पे जाओ, एक लेबल कॉपी कर लो, आसानी हो जाएगी। कंट्रोल सी, लेबल कॉपी किया, यहाँ पे आके वही लेबल पेस्ट कर दिया। प्री नेम की जगह पे हमने क्या दिखाना था? कैट नेम, स्पेलिंग देख लिया करो, कैट नेम छोटा ही लिखा, ठीक है, कैट नेम, कंट्रोल एस। बच्चे ये करने की देर थी, लेबल लगाया, डाटा बाइंडिंग लगाई, अल्लाह अल्लाह, खैर सारा डायनामिक होगी पूरी नेविगेशन। आ गया, ये कुछ ज़्यादा कैटेगरीज के ना कुछ हैं भी मैंने गलत ऐड किए हैं, मैं वो कम कर दो, ऐसे ही हमारा डिज़ाइन ख़राब हो रहा है। ये वकास, नजम, वकास, सलमान, टैब्स तक ठीक है, ये रिकॉर्ड्स गलत हैं, इनको ला दो ताकि वो देखने में बुरे ना लगे। आगे कोई रेफरेंस तो नहीं किया हुआ इसका? 12 की एक एंट्री की थी, ठीक है, ओके, जस्ट रिफ्रेश इट। आप देखो कैटेगरी पे कर्सर लेके आए, फिट है काम। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मोबाइल पे क्लिक हो, क्लिक तो नहीं, होवर ही है, मोबाइल पे कर्सर आए तो आगे उसके मोबाइल के ब्रांड शो हो, इलेक्ट्रॉनिक पे कर्सर आए उसके हैं, कार्स पे हैं उसमें, उसके उसके। yes, अब रोला है, रोला कहाँ है? रोला यहाँ पे है। मसला ये है कि यहाँ पे फ्रंट एंड पे मैंने क्या दिखाया? कैटेगरी नेम। नीचे यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं? ब्रांड नेम, ब्रांड नेम वो दिखा रहे हैं जिस कैटेगरी पे क्लिक हुआ। अब वहाँ पे डेटा बेस में सिक्योरिटी, अब डेटा यहाँ पे ब्रांड में किस टेबल से आना है? ब्रांड के टेबल से। ब्रांड के टेबल में कैटेगरी नेम तो अवेलेबल ही नहीं है, कैटेगरी आईडी अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी हिडन फील्ड। क्या यूज करनी पड़ेगी? कंट्रोल सी, एक लेबल कॉपी किया, उसको डिजाइन से बाहर रखा, आइटम टेम्पलेट में ही रहने दो लेकिन एल आई के टैग के बाहर एक लेबल लगा हुआ है जो कि विजिबल क्या है? फॉल्स है, नज़र किसी को नहीं आएगा। और उसके अंदर डाटा क्या नज़र आ रहा होगा हमें, यानी कि उसके अंदर डाटा क्या बाइंड होगा? वो होगी कैट आईडी। क्या होगी? लेबल का नाम याद रखना, ये लेबल नंबर कौन सा है? लेबल नंबर 2। बच्चे ने कहा था सर व्यू स्टेट करवा दें, हिडन फील्ड करा दें, व्यू स्टेट बाद में कराता हूँ, ये हिडन फील्ड है, ये एक फील्ड लगाइए जो हिडन है, किसी को नज़र नहीं आएगी। प्लस एल आई के अंदर ये सारा काम खत्म किया, कंट्रोल सी, ऑडियो स्टाइल बंद को रख के लेबल, और यहाँ पे मैंने क्या दिखाना है? ब्रांड नेम क्या दिखाना है? लेकिन अब इसके ऊपर, इस एल आई के टैग के ऊपर एक और रिपीटर लगेगा, क्यों? गौर करो, कैटेगरी पे जब कर्सर आता है तो एक रिपीटर है, वो है, एक रिपीटर वो है जो इनको रिपीट कर रहा है, ठीक ठीक ठीक। एक रिपीटर वो चल रहा है कि इसे यहाँ पे ब्रांड रिपीट करने हैं इसके ऊपर से, यानी कि इस ब्रांड के जितने, इस कैटेगरी के जितने ब्रांड है वो रिपीट हो, तो रिपीटर के अंदर रिपीटर चल रहा है, तो लगा सकते हैं, इन्फिनिट कॉम्बिनेशन है। एक रिपीटर के अंदर मल्टीपल रिपीटर्स लग सकते हैं, रिपीटर के अंदर लगाया रिपीटर और टैग है उसके अंदर आइटम टेम्पलेट का, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, इस रिपीटर को क्यूरी बता देते हैं, बात खत्म होगी। न्यू डाटा सोर्स, एसक्यूएल, कनेक्शन स्ट्रिंग, किस टेबल से डाटा चाहिए? ब्रांड, मैंने कहा ब्रांड आईडी सेलेक्ट करो, और ब्रांड अगर इतनी क्यूरी चला दूंगा तो सारे ब्रांड आ जाएंगे, हर कैटेगरी के होवर के ऊपर सारे ब्रांड आ रहे होंगे, मैंने कहा ऐसा नहीं करना। वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू किसी बराबर हो जाए कंट्रोल के, और वो कंट्रोल कौन सा था? लेबल नंबर 2।
टू ही था। रिपीटर के अंदर रिपीटर कॉल हुआ है, बी नेम यहां पे मैंने क्या दिखा दिया, बी नेम, ये करने की देर थी। अब चेक करते हैं काम क्या हुआ, सॉरी मोबाइल पे आता है सैमसंग क्यू मोबाइल ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स पे एलजी कैनन कार्स पे सुजुकी होंडा टोयोटा साइकिल पे कुछ नहीं है लैपटॉप पे कुछ नहीं है टैब पे कुछ नहीं है ऐड करोगे वो भी आने शुरू हो जाएंगे। सर हमने ऐड की ना वैल्यूज आप सुजुकी पे क्लिक करेंगे वो नीचे प्रोग्राम में चले जाएगा। आगे पेज नहीं है उसके होवर के ऊपर आपने व्यू प्रोडक्ट्स या लेके जाना है जहाँ पे आपने सारे वो प्रोडक्ट्स दिखानी है जो सुजुकी से ताल्लुक रखते हैं। सर इसको मेन्यू से ये दूसरे लिंक पे स्टैटिक पेज पे लेके जा रहे हैं, इसको डायनेमिक पेज पे लिंक करना वो कैसे करें उस मेन्यू में। डूब के मार जा, डूब के मार जा, इधर देख। बड़े अफसोस की बात है, इधर देखो कैटेगरी पे क्लिक करूं, मोबाइल पे क्लिक करूं, नीचे मोबाइल ही नजर आए, ऐसा करना है। माय थीम यहाँ पे कैटेगरी नेम, ये है कैटेगरी नेम, उसके ऊपर हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, हैश पिक यू आर एल। मैंने कहा तुम इसको इस तरह करो, अब यहाँ पे आगे और काम देखो, मैंने कहा इसे व्यू प्रोडक्ट्स थीम पे लेके जाओ, कहाँ लेके जाओ, लेकिन अपने साथ यहाँ पे कुछ डाटा लेके जाओ। क्यूरी स्ट्रिंग, क्यूरी स्ट्रिंग पढ़िए क्या होती है, क्वेश्चन मार्क से डिक्लेयर होती है। मैंने कहा जी तुम अपने साथ लेके जाओ आई डी इक्वल्स टू दिस परसेंटेज हैश ई वेल इन्वर्टेड कॉमास और अपने साथ तुम कैटेगरी आई डी लेके जाओ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एस, अंडरस्टैंड बच्चे काम हो गया, क्या टेंशन है। इधर देखो आप कैटेगरी आके मैंने क्लिक किया कार्स पे, अभी फिल्ट्रेशन भी करा दिया मैंने आपको, वो भी देख लेना पूरा हो गया काम। कैटेगरी पे आके मैंने कहा मुझे मोबाइल्स दिखाओ, ऊपर आईडी आ गया मोबाइल्स पे, मैंने कहा मुझे बाइक कार्स दिखाओ, ऊपर आईडी क्या आ गई, मैंने कहा मुझे टैब्स दिखाओ, ऊपर आईडी क्या आ गई, सेवन। लेकिन नीचे रिकॉर्ड सारे ही आ रहे हैं, नीचे रिकॉर्ड सारे ही आई जा रहे हैं, तो ये भी मसला ही कोई नहीं, बच्चों के लिए काम है, ये भी सेट कर देते हैं। व्यू प्रोडक्ट्स थीम के ऊपर आए, रिपीटर जहां पे लगाया था दिस कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां पे आपने लगा देना वेयर का क्लॉज डब्ल्यू एच ई वेयर कैटेगरी डॉट कैटेगरी आई डी इक्वल्स टू एट दी रेट किसके बराबर हो जाए आई डी के। वो कहता है ये आई डी कहां से दोगे, मैंने कहा क्यूरी स्ट्रिंग से दूंगा, और क्यूरी स्ट्रिंग किस नाम से आ रही है, फिल्ट्रेशन भी आपकी चल रही, ऊपर जो ब्रांड सेलेक्ट करूंगा नीचे वही आईडी आया करे, नीचे वही ब्रांड आया करेगा। लेट्स चेक इट, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि था ही कुछ नहीं। कैटेगरीज में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके मैंने कहा मुझे एलजी दिखाओ, सॉरी अभी एलजी वाला काम नहीं किया मैंने, कैटेगरीज में जाके मैंने कहा मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाओ, नीचे क्या आ रहा है 40 इंच की एलईडी। कैटेगरीज में जाके मैंने कहा मुझे मोबाइल दिखाओ, नीचे क्या आ रहा है सारे मोबाइल्स आ रहे हैं। कैटेगरीज में जाके मैंने कहा मुझे कार्स दिखाओ, तो मेहरान आ रही होगी, होंडा सिटी और मेहरान आ रही है, तो ये भी हो गया। कितनी कितनी देर का काम है, अभी सर्च फिल्टर्स भी बनाएंगे 5-10 मिनट, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मैंने शॉपिंग कार्ट पे पूरा सेमेस्टर लगाया, आप घंटे में कर रहे हैं इसका। दराज डॉट पी के, रोजी डॉट पी के, ई बे, फलाना फलाना फलाना, दुनिया की कोई वेबसाइट आ जाए आप, अब आपको लगता है नहीं बना सकते, लगता है कि नहीं बना सकते हो कि नहीं। थीम अपनी मर्जी का सेलेक्ट किया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, डी बी बनाई, एंट्रियाँ कराई, ऑनलाइन की, हाँ यस मैंने सॉरी जल्दी में करवाया भूल गया। इधर देखो जब मोबाइल के ऊपर कर्सर आता है ना, एक रिपीटर ऐसा लगा हुआ जो इसको रिपीट कर रहा है, लेबल्स को, इन लेबल्स को रिपीट कर दिया, लेकिन इस मोबाइल के ऊपर एक और लेबल रखा था, कॉपी पेस्ट किया था, उसमें मैंने लेबल में बाइंड करवाई थी कैटेगरी आई डी, क्या करवाई थी, उस लेबल को विजिबल ट्रू भी कर देंगे तो वैसे डिजाइन में नहीं आएगा लेकिन मौजूद है कैटेगरी आईडी यहां पे इसके साथ लिखी हुई है। क्या कहते हो तो करके दिखाऊं कि नहीं,
नजर आई। बहरहाल यहाँ पे यू एसियो पर इसकी 1 2 3 साथ साथ लिखी है लेकिन मैंने उनको नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं हिडन फील्ड यूजर को नहीं दिखानी यहाँ पे, जीरो को कहीं पे 1 2 3 4 फ्रंट एंड पे आना शुरू हो जाए, उसका कोई ताल्लुक है नहीं, यूजर को नामों से ताल्लुक है, हाइडिंग बैक एंड पे चल रही। अब यहाँ पे मोबाइल के होवर के ऊपर यहाँ ना सैमसंग क्यू मोबाइल ओप्पो दिखाना था। अब ये ब्रांड्स हैं, ये किस टेबल से उठ के आ रहे हैं, ब्रांड के टेबल से। मैंने कहा यहाँ पे सैमसंग क्यू मोबाइल ओप्पो वो ब्रांड दिखाओ जो इस कैटेगरी मोबाइल से ताल्लुक रखते। अब वेयर की क्लॉज में जब मोबाइल बताने लगता हूँ तो मोबाइल तो वहाँ इंसर्ट हुआ ही नहीं, वहाँ तो कैटेगरी आईडी 10, 20, 30 कुछ भी हो सकती है। और वो आईडी किस पे पड़ी हुई है, लेबल में। मैं कहता हूँ ब्रांड के टेबल में जाओ, सारे ब्रांड दिखाओ वेयर कैटेगरी आईडी बराबर हो इस लेबल में, और उस लेबल के जरिए वो दिखाओ। ये स्टेट मैनेज रखने का तरीका है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो स्टेट मैनेज नहीं होगी, यहाँ पर सारा कुछ आना चाहिए। सही है, हिडन फील्ड्स यही काम मैं कर सकता हूँ कुकी से, व्यू स्टेट से, सेशन से, लेकिन सेशन बनाने की कुकी नहीं है। व्यू स्टेट के अंदर पैकेज सर्वर के ऊपर लोड होगा, यहाँ पे जब मैं मोबाइल के ऊपर का कर्सर लेके आऊंगा सर्वर के ऊपर रैम के ऊपर सुपर कंप्यूटर पे डाटा स्टोर हो रहा होगा, हजार यूजर आके एक होवर क्लिक करेंगे हजार सेशन बन जाएंगे, वहाँ हजार वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे, सर्वर बैठ जाए। यहाँ पे तो सर्वर बैठना दूर, यहाँ पे तो सर्वर के ऊपर वो छींक भी नहीं रहा। दोनों क्लाइंट साइड नहीं है, व्यू स्टेट भी क्लाइंट नहीं, व्यू स्टेट होती सर्वर पे है, वो पेज के ऊपर ही होती है, वो पेज आपका भारी करता है। सर्वर साइड में लिखे अगर पेपर में, हां हां जहां पे दोनों में दोनों ही ठीक है, मैं दोनों ठीक है। अगर एप्लीकेशन स्टेट जो है वो सर्वर साइड, वो जो सर्वर साइड है वो भी वैसे इसीलिए एप्लीकेशन स्टेट और सर्वर स्टेट दोनों ही सर्वर साइड, वो भी इसीलिए यूज होती है ना, मतलब हमने देखा है कि इस पे क्लिक करूंगा अगला पेज जो डेटा बन जाएगा उधर ऐड टू कार्ट के बटन चार लाइनें लिख के वो क्या प्रोजेक्ट पूरा। प्लस उसके अलावा मेरे पास अभी क्या रहती है, रिपोर्टिंग रहती है, 3D चार्ट्स रहते हैं, हार्डवेयर इंटीग्रेशन रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। सर ये बात कंफर्म है कि जो क्या नाम है इसका, व्यू स्टेट का जो वो सर्वर पे ही स्टोर करता है, क्योंकि वो लिखा ही कोड बिहाइंड में जाता है, लिखा ही कोड बिहाइंड में जा रहा है तो वो होता सर्वर पे ही है, लेकिन वो ये नोट करता है कि ये जो वो जो देखो सेशन में व्यू स्टेट में ये फर्क है, सेशन एक ऐसा वेरिएबल है जो थ्रू आउट द पेज सक्सेस होगा, व्यू स्टेट एक ऐसा वेरिएबल है जो एक पेज के ऊपर हजार, एक पेज के ऊपर ऊपर ही हजार इवेंट कॉल हो उनके ऊपर एक्सेस हो, सिर्फ ये फर्क है। कहते हो तो उसका कोड लिख के समझा दो।